If we try to believe in anything greater than a miracle. What is up, guys? This is Pradeep with CZ Cubs. In part one of this tutorial, we discussed about primitives, modes, and some selection tools. In part two of this series, we will cover rest of the selection tools and the versatile polygon pen tool. तो चलिए शुरू करते हैं. Part one में जो हमने last command हमने cover की थी, वो थी convert selection. I'm sorry, mirror selection. अब जो next command है, वो है select all. और ये कमांड सारे के सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करती है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से मोड में हो. तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स मोड में हूँ. अगर अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट ऑल, तो मेरे सारे पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं. इसी तरीके से अगर मैं एजेस मोड में हूँ और मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट ऑल को, तो मेरी सारी एजेस सेलेक्ट हो जाती हैं. और इसी तरीके से पॉलीगॉन्स टूल पॉलीगॉन्स मोड्स में पॉलीगॉन्स मोड में मेरे सारे पॉलीगॉन्स सेलेक्ट हो जाएंगे. ओके, लेकिन जब आप सेलेक्ट करते हो इस कमांड से, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं वो सेलेक्ट नहीं होते. ओके, तो जैसे हमारे पास सेलेक्ट ऑल है सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास डी सेलेक्ट ऑल है सारे एलिमेंट्स को डी सेलेक्ट करने के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास इन्वर्ट कमांड. तो अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाया है, यहाँ पे कोई सेलेक्ट किए हैं एलिमेंट्स को, अब आप चाहते हैं कि वो एलिमेंट्स डी सेलेक्ट हो जाएं और जो बाकी के हैं वो सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए आपको इन्वर्ट कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी. यहाँ से इसका शॉर्टकट है UI. तो जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो सेलेक्टेड पॉइंट्स थे वो डी सेलेक्ट हो जाएंगे और बाकी के सारे पॉइंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ग्रो सेलेक्शन. ग्रो सेलेक्शन से पहले हम सेलेक्ट कनेक्टेड पे आते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट कनेक्टेड जो नल है उसकी विजिबिलिटी को मैं ऑन करता हूँ. ये फाइल आपको डाउनलोड करने को मिलेगी, इसका नाम है explore-polygons.c4d. इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा. अब इसके अंदर सेलेक्ट कनेक्टेड नाम से एक मैश है. तो ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं दो पार्ट में है और दोनों पार्ट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और अब आप चाहते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस पॉलीगन से कनेक्टेड हैं या इस एलिमेंट से, वो एज भी हो सकता है, वो पॉइंट भी हो सकता है, तो जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ एलिमेंट आप चाहते हैं कि उससे जितने भी कनेक्टेड और एलिमेंट्स हैं वो भी सेलेक्ट हो जाएं, उसके लिए आपको यहां से एग्जीक्यूट करना होगा सेलेक्ट कनेक्टेड और वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे. इसी तरीके से अगर हम यहां पर आए एज मोड में, एज को सेलेक्ट करें और फिर हम एग्जीक्यूट करें इस कमांड को सेलेक्ट कनेक्टेड, UW इसका शॉर्टकट है, तो सारे के सारे एजेस जो इससे कनेक्टेड हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ग्रो सेलेक्शन. तो इसके लिए पहले मैं एक सेलेक्शन बना लेता हूँ. यहाँ पर देखिए मैंने चार पॉलीगन सेलेक्ट करे हैं. अगर आप यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट में, ग्रो सेलेक्शन में, और इसके गियर आइकन पर क्लिक करेंगे, तो इस कमांड की जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी. ओके, या फिर आप यू और उसके बाद शिफ्ट वाई प्रेस कर सकते हैं. अगर आप UY प्रेस करेंगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर आप यू शिफ्ट वाई प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन होंगी और वो सेटिंग्स इस गियर आइकन पर भी क्लिक करने पे आ जाती हैं. तो मैं इस गियर आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये जो ग्रो सेलेक्शन डायलॉग बॉक्स मेरे पास है, इसमें आप नोटिस करिए कि ग्रो यूजिंग एजेस ओनली डिसेबल्ड है. ठीक है, तो अभी हम इसको डिसेबल ही रहने देते हैं. तो जब ये डिसेबल रहता है चेकबॉक्स जो अभी आपने देखा है, तो जो नेबरिंग पॉलीगन्स हैं, इस सेलेक्शन के नेबरिंग पॉलीगन्स हैं, वो ही सेलेक्ट होंगे जो शेयर करते हैं एक वर्टेक्स ओरिजिनल सेलेक्शन से. ये ओरिजिनल सेलेक्शन है, यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है. तो अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें तो इसको कौन कौन सा पॉलीगन शेयर कर रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला. इसी तरीके से यहाँ पे जो वर्टेक्स है उसको ये पॉलीगन शेयर कर रहा है, ये पॉलीगन शेयर कर रहा है, ये पॉलीगन शेयर कर रहा है. इसी तरीके से यहाँ पर ये तीन पॉलीगन शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर ये तीन पॉलीगन्स इसको शेयर कर रहे हैं.
तो अगर मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ इस कमांड को, तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं ग्रो सेलेक्शन, और देखिए वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। अब हम उस चेकबॉक्स को हम इनेबल करते हैं जाके ग्रो सेलेक्शन सेटिंग्स में। अब मैं इसको इनेबल करता हूं, तो आप अभी तक आपने देखा कि जो ओरिजिनल सेलेक्शन के साथ जो नेबरिंग पॉलीगन्स हैं, जो ओरिजिनल सेलेक्शन के साथ वर्टेक्स शेयर करते हैं, तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जब आप इसको इनेबल करोगे तो वही सेलेक्ट होंगे जो नेबरिंग पॉलीगन्स के साथ एजेस शेयर करते हैं। ओके, तो इस पॉलीगन के साथ ये कोई एज शेयर नहीं कर रहा तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पे एज शेयर कर रहा है तो ये सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट होगा, फिर ये नहीं होगा क्योंकि इसकी दो एज हैं, वो कहीं भी जो ओरिजिनल सिलेक्शन है उसकी एज से उससे शेयर नहीं हो रही हैं एजेज, उसकी इस पॉलीगन की एजेज इस ओरिजिनल सिलेक्शन से शेयर नहीं हो रही हैं। तो देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ शेयर नहीं हो रहा था, यहाँ शेयर नहीं हो रहा था, इधर शेयर नहीं हो रहा था और इधर शेयर नहीं हो रहा था। तो अगर आपको इस तरह का सिलेक्शन चाहिए तो आप उस चेकबॉक्स को इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज आप डिसेबल कर दीजिए। तो जब इनेबल हो जाएगा तो ये जो सिलेक्शन अभी आप देख रहे हैं इनेबल स्टेट में और डिसेबल स्टेट में, वो ये वाला पॉलीगन भी सिलेक्ट कर लेगा, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन इस केस में वो केवल उन्हीं पॉलीगन्स को सेलेक्ट करेगा जिनसे कि उसकी एज शेयर हो रही है, ओरिजिनल सिलेक्शन जो है उसकी एजेस शेयर हो रही है। ठीक है, तो जैसे ये ग्रो सिलेक्शन है इसी तरीके से हमारे पास श्रिंक सिलेक्शन होता है। श्रिंक सिलेक्शन में कोई भी ऑप्शंस नहीं है आपके पास, कोई सेटिंग्स नहीं है, जस्ट आप इसको श्रिंक कर लीजिए, श्रिंक हो जाएगा। ओके सिलेक्शन, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास हाइट सेलेक्टेड। तो जो भी आपके पास सेलेक्टेड एलिमेंट है वो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चार पॉलीगॉन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ हाइट सेलेक्टेड को, तो ये वाले पॉलीगॉन्स हाइट हो गए। अब अगर अनसेलेक्टेड को आप हाइट करना चाहते हैं, वो हिडन है बट सेलेक्टेड है, अब ये अनसेलेक्टेड हैं बाकी के। ओके, अब इनको हम अगर हाइट करना चाहें तो हम जाएंगे सेलेक्ट में, हाइड अनसेलेक्टेड, सब कुछ हाइड हो गया, फिर जाएंगे सेलेक्ट में अनहाइड ऑल, सारे वापस आ गए। और नेक्स्ट कमांड है हमारे पास इन्वर्ट विजिबिलिटी। ओके, तो अगर आपने कुछ एलिमेंट्स को हाइड किया हुआ है हाइड सेलेक्टेड कमांड से, अब आप विजिबिलिटी को इन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब जो आपने हाइड किए हुए हैं वो अनहाइड हो जाएं और ये जो यहाँ पे अनहाइड एलिमेंट्स हैं ये हाइड हो जाएं। तो इसके लिए हमें एग्जीक्यूट करना होगा इन्वर्ट विजिबिलिटी, ये देखिए। ओके, तो वापस हम सबको अनहाइड ऑल कर देते हैं ताकि हमारे पास ओरिजिनल ज्योमेट्री आ जाए। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कन्वर्ट सेलेक्शन। देखिए कन्वर्ट सेलेक्शन कैसे काम करता है, यूएक्स इसका शॉर्टकट है। सपोज ये मैंने चार पॉलीगन सेलेक्ट किए हैं, अब इनको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं एजेस में, तो मैं सेलेक्ट में जाऊंगा और एग्जीक्यूट करूंगा कन्वर्ट सेलेक्शन। कन्वर्ट सेलेक्शन डायलॉग बॉक्स मेरे पास आएगा, इसमें लेफ्ट साइड में है कि आप किसको और किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अभी मेरे पॉलीगन्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, तो मैं पॉलीगन्स को एजेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पॉलीगन्स लेफ्ट वाले कॉलम में, एजेस राइट वाले कॉलम में, और फिर हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट, ये देखिए। अब मैं एजेस को, क्योंकि अब मेरी एजेस सिलेक्टेड हैं, अब मैं एजेस को कन्वर्ट करना चाहता हूँ पॉइंट्स में, मैं कर सकता हूँ। मैं पॉइंट्स को अब कन्वर्ट करना चाहता हूँ पॉलीगन्स में, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन दो मॉडिफायर कीज हैं कंट्रोल और शिफ्ट, अगर आप उनका यूज़ करोगे तो आपको इस डायलॉग बॉक्स में नहीं आना पड़ेगा। देखिए वो कैसे काम करता है, यहाँ पे जैसे मेरे चार पॉलीगॉन्स सेलेक्टेड हैं, अब मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा अगर पॉइंट्स पे, देखिए क्या होता है, सारे पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए। अब मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ एजेस में, तो सारे एजेस सेलेक्ट हो गए। अब मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ पॉइंट्स में, तो सारे पॉइंट्स सेलेक्टेड हो गए, ठीक है, सारे पॉलीगन्स मेरे सिलेक्टेड हो गए।
अब देखिए शिफ्ट के साथ ही कैसे काम करेगा, तो मैं ये चार पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पर। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा पॉलीगॉन्स बटन पे, तो देखिए क्या होगा, जितने भी शेयर कर रहे थे इस वर्टेक्स को वो सारे सेलेक्ट हो गए। फिर से देखिए ये चार मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन कौन कौन से पॉलीगॉन्स इनको शेयर कर रहे हैं, ये वाला कर रहा है, ये वाला, ये सब शेयर कर रहे हैं। तो शिफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं एजेस सेलेक्ट करता हूं और फिर शिफ्ट क्लिक करता हूं पॉइंट्स पे, तो इस तरह का मुझे सिलेक्शन मिलता है। और अगर मैं चार पॉलीगॉन्स इस तरह से सेलेक्ट करूं और शिफ्ट क्लिक करूं एजेस पे, तो इस तरह का मुझे सिलेक्शन मिलता है। तो ये था कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो एक एलिमेंट, जो सिलेक्शन एक एलिमेंट के लिए आपने बनाया है, उसको दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सेट सिलेक्शन। जो ये सेट सिलेक्शन कमांड है, इसका यूज करते हैं हम सिलेक्शन को फ्रीज करने के लिए या स्टोर करने के लिए। तो जब हम किसी सिलेक्शन को स्टोर करते हैं एक सिलेक्शन सेट में, तो लेटर ऑन हम उसको कॉल कर सकते हैं, उसे हम रिकॉल कर सकते हैं कहीं और यूज करने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द मोड यू आर इन, तो पॉइंट सिलेक्शन, एज सिलेक्शन या पॉलीगन सिलेक्शन टैग बनता है ऑब्जेक्ट मैनेजर में जब भी हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए जैसे यहां पे मेरे पॉइंट सिलेक्टेड है, ओके, अब इसको मैं स्टोर करना चाहता हूं ताकि मैं बाद में रिकॉल कर सकूं, तो मैं यहां पे जाऊंगा सेलेक्ट और सेट सिलेक्शन। देखिए यहां पे एक टैग बन गया और उसका नाम है पॉइंट सिलेक्शन। ठीक है, ये आइकन आप देख लीजिए टैग का किस तरह से है। इसी तरीके से अगर मैं एज को सेलेक्ट करता हूं और सेट सिलेक्शन एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब मुझे मिलेगा एज सिलेक्शन। ये देखिए इसका आइकन कैसा है। और अब अगर हम पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करें और फिर जाएं सेलेक्ट में सेट सिलेक्शन, तो अब हमें पॉलीगॉन सिलेक्शन टैग यहाँ पर मिलता है। तो आप कितने भी टैग्स बना सकते हैं सिनेमा 4D में, लेकिन ज़्यादातर कमांड्स सिनेमा 4D में पहले 10 जो सिलेक्शन सेट्स हैं उनको ही कंसीडर करती हैं। ओके, तो आप 10 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कमांड्स केवल फर्स्ट 10 सिलेक्शन सेट्स को ही रिकॉग्नाइज करेंगी। अगर यहां पे कोई सिलेक्शन सेट है और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर पहले वो सिलेक्टेड हो। अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो क्या होगा कि एक नया सिलेक्शन सेट बनेगा। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कहां ये यूज होता है सिलेक्शन सेट। बहुत सारी जगह यूज होता है सिनेमा 4D में, पर मैं एक सिंपल मटेरियल लगा के आपको दिखा रहा हूं। यहां डबल क्लिक करेंगे हम मटेरियल मैनेजर में, फिर डबल क्लिक करेंगे नोड पर और इसको दे देंगे कोई कलर, मैं रेड कलर दे देता हूँ। इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ पॉलीगन्स, ओके, और एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट सेट सिलेक्शन। टैग आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब मैं ये मटेरियल अप्लाई करता हूँ इस ज्योमेट्री पर। देखिए सारे सिलेक्शन पे हो गया, सारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया ये वाला मटेरियल, लेकिन मैं केवल यहीं पे अप्लाई करना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने सिलेक्शन बनाया। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेक श्योर कि मेरा टैग सिलेक्टेड हो, यहाँ पे टेक्सचर टैग सिलेक्टेड हो जो मैंने मटेरियल अप्लाई किया है, और उसके बाद मैं ड्रैग करूँगा इसको और कर दूंगा ड्रॉप सिलेक्शन इनपुट फील्ड में। जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा, देखिए वो जो रेड कलर है वो केवल अब उसी एरिया में है जहाँ पे मैंने पॉलीगन सेलेक्ट किए थे। ओके, अब सपोज मैंने कोई और सिलेक्शन बनाया यहां पर, और अब मैं चाहता हूं कि ये जो रेड कलर यहां पे था वो इधर आ जाए। सपोज यहां पे गलती से लग गया लेकिन यहां पे चाहिए था, तो अगर आपने इसको सेलेक्ट करके नहीं रखा सिलेक्शन टैग को, तो एक और सिलेक्शन टैग बन जाएगा। बट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस सिलेक्शन टैग को रिप्लेस करना चाहता हूं और जो मेरा रेड कलर है उसको मैं यहां बचाना चाहता हूं। ओके, तो सिंपल है, सेलेक्ट करिए टैग को, सेलेक्ट में आइए और एग्जीक्यूट कर दीजिए सेट सिलेक्शन कमांड। देखिए वो रेड कलर वहां से हट के यहां चला गया क्योंकि
जो पॉलीगन सेलेक्शन टैग हमने ड्रैग किया था वो अब भी इंटैक्ट है, क्योंकि नया सेट बनाने से पहले हमने जो पुराना वाला टैग था उसी को सेलेक्ट रखा, तो जो सेटिंग्स हैं वो ओवरराइड हो गई। ओके, तो ये है सेट सेलेक्शन कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सेट वर्टेक्स वेट, और ये जो कमांड है इस कमांड से हम वर्टेक्स वेट को सेट करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ये मटेरियल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इधर से भी, और जो सिलेक्शन टैग था वो भी हटा देता हूँ। अब देखिए कैसे काम करता है। सपोज हमें इन सेलेक्टेड पॉलीगन्स पे कोई वर्टेक्स वेट देना है, ठीक है, वर्टेक्स वेट भी कई जगह सिनेमा 4D में यूज़ होता है। तो अगर हमें इन पॉलीगन्स को ये वेट देना है तो हम यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट और एग्जीक्यूट करेंगे सेट वर्टेक्स वेट। यहाँ पे देखिए वैल्यू है जो स्ट्रेंथ है वेट की, और उसके बाद हमारे पास मोड ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें ऑप्शंस है ऐड, सबट्रैक्ट एंड सेट। तो जब हम पहली बार वेटिंग देते हैं तो हम करते हैं सेट, ठीक है। जैसे अब मैं 20% है और मैं 20% वेटिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने मोड किया है सेट और अब मैं प्रेस करूँगा ओके। तो ये देखिए जहाँ ये यहाँ पे सैचुरेशन सबसे ज़्यादा है रेड का, वो 100% वेट है, और यहाँ पे मैंने 20% दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 20% की जगह मैं इसे 50% कर दूँ, तो मुझे ऐड करना होगा 25%। फिर मैं सेलेक्ट में जाऊँगा, सेट वर्टेक्स वेट में जाऊँगा और इसको कर दूँगा 25% और मोड को कर दूँगा ऐड। तो अब ये 50% हो गया। इसी तरीके से हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिलेक्शन कमांड्स सिनेमा 4D में, जो हमें सेलेक्ट मेन्यू में मिलती हैं, और ये सारी कमांड्स हमने कवर कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पॉलीगन एडिटिंग टूल्स को डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन पेन टूल। ओके, पॉलीगन पेन टूल एक सुपर टूल है। इसको आप न केवल एग्जिस्टिंग ज्योमेट्रीज को एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसे आप बहुत सारे और भी काम ले सकते हैं, जैसे कि पॉइंट्स को मेल्ट करना, एलिमेंट्स को मूव करना या डुप्लीकेट करना। माइनर नाइफ फंक्शंस भी इस टूल से आप कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं ज्योमेट्रीज को, और जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्वीक कर सकते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो आप पॉलीगन पेन टूल से कर सकते हैं। ओके, और जो ये टूल है ये स्नैप और वर्क प्लेन फंक्शंस होते हैं उनके साथ भी अच्छे से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनेबल कर लीजिए पॉलीगन पेन वन नल ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर है एक प्लेन ऑब्जेक्ट। तो जो पहला फंक्शन मैं आपको इसका बता रहा हूँ वो है कि आप मैश में जाके पहले हम इसे इनेबल कर लेंगे, ME करके इसका शॉर्टकट है। जब ये टूल एक्टिव रहेगा तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप माउस को हवा करेंगे उसका प्रीव्यू ये आपको दिखाएगा। देखिए चाहे वो पॉइंट है, चाहे एज है, चाहे पॉलीगन है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला फंक्शन इसका ये है कि जैसे ये हाईलाइट होता है आप क्लिक एंड ड्रैग करके उसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको क्या करना पड़ता है बिना पॉलीगन पेन के, कि आप पहले एजेस मोड में आते हैं, एज सेलेक्ट करते हैं, आप एज सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको मूव करते हैं। अब आपको सपोज पॉइंट मोड में आना है तो आप पॉइंट को मूव करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, फिर आप यहां पे आएंगे पॉलीगन्स मोड में, फिर पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको मूव करेंगे। लेकिन ये तीनों काम ये टूल अकेले कर लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मोड में हो। जस्ट आपको इसको इनेबल करना है और हवर करना है उस पॉइंट के ऊपर जिसे आप मूव करना चाहते हैं। जैसे इस पॉइंट के ऊपर मैंने हवर किया है क्लिक एंड ड्रैग, तो मैं इस पॉइंट को मूव कर लूँगा। इसी तरीके से मैं एज को मूव कर लूँगा और इसी तरीके से मैं पॉलीगन को मूव कर लूँगा। ये है इसका पहला फंक्शन। अगर आप किसी पॉइंट को ड्रैग करते हैं कंट्रोल के साथ तो एक नया पॉइंट बनता है और दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। ओके, ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं बार बार वापस जाने के लिए ताकि हमारे पास ओरिजिनल ज्योमेट्री रहे। अगर किसी एज को आपको एक्सट्रूड करना है तो आप कंट्रोल ड्रैग करिए उस एज को, तो
देखिए वो एक्सट्रूड हो जाएगी, और अगर आप साथ के साथ शिफ्ट भी प्रेस करेंगे तो आप उस एज को रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, एक बार और देखिए, कंट्रोल ड्रैग से एज एक्सट्रूड होगी, और अगर आप शिफ्ट भी प्रेस करेंगे तो आप एज को साइमल्टेनियसली रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, किसी भी पॉलीगन को अगर आपको अलोंग इसके नॉर्मल मूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर आप ड्रैग करेंगे तो जो पॉलीगन है वो अलोंग नॉर्मल मूव होगा। इसे देखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और फिर ड्रैग करना है पॉलीगन को मूव करने के लिए अलोंग इट्स नॉर्मल। राइट, अगर आप किसी पॉलीगन को कंट्रोल के साथ ड्रैग करें, पहले कंट्रोल प्रेस करें और फिर ड्रैग करें, तो वो पॉलीगन एक्सट्रूड होता है, और साथ के साथ अगर आप शिफ्ट भी दबा लें तो अराउंड नॉर्मल आप उस पॉलीगन को रोटेट भी कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, कंट्रोल और ड्रैग करेंगे पॉलीगन को उसे एक्सट्रूड करने के लिए अलोंग इट्स नॉर्मल, और फिर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे इसको रोटेट करने के लिए अराउंड इट्स नॉर्मल। ओके, अगर आप किसी पॉइंट पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, अंडू कर रहा हूं, कंट्रोल क्लिक, तो क्या होगा, ये पॉइंट मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा ही नहीं, तो ये पॉइंट नहीं रहेगा तो फिर ये एजेस भी नहीं रहेंगी और आपको एक एनगॉन यहाँ पे मिलेगा। सो कंट्रोल क्लिक ऑन ए पॉइंट टू मेल्ट इट। ओके, कंट्रोल क्लिक ऑन एन एज टू डिलीट इट। ओके, कंट्रोल क्लिक ऑन अ पॉलीगन टू डिलीट इट। दोबारा देखिए, कंट्रोल क्लिक करें किसी भी पॉइंट पे उसको मेल्ट करने के लिए, अगर एज किसी आउटसाइड बाउंड्री पे है तो कंट्रोल क्लिक करने पे वो पॉलीगन डिलीट हो जाएगा, और अगर आप किसी पॉलीगन पे कंट्रोल क्लिक करते हैं तो भी वो डिलीट हो जाएगा। राइट, अगर आप किसी एज पे मिडल माउस ड्रैग करें, देखिए मैं मिडल माउस प्रेस कर रहा हूं और यहाँ पे एक टूल टिप टाइप मेरे पे आया है जो मुझे दिखा रहा है कि जो सब है, मतलब सब डिवीजन है, डिग्री ऑफ सब डिवीजन है, वो जीरो है, और जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पे पॉइंट्स आते चले जाएंगे। तो सपोज मैं 3 पे छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट्स मोड में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन पॉइंट्स आ गए। दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, पॉइंट्स मोड में हम किसी भी मोड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम पॉइंट दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं पॉइंट्स मोड में हूँ। तो किसी भी एज पे फर्क नहीं पड़ता वो एज कहाँ पर है, उस पर आपको मिडिल माउस प्रेस करके ड्रैग करना है, और जितने भी आपको सब डिविजन्स चाहिए, जैसे अभी एक वर्टेक्स आ गई, अब दो पॉइंट्स आ गए, अब तीन पॉइंट्स आ गए, और जैसे आप माउस को छोड़ेंगे तो आपको सब डिविजन मिल जाएगा। तो किसी भी एज को सब डिवाइड करने के लिए आप मिडिल माउस ड्रैग करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये फंक्शन काम नहीं करता अगर ड्रॉ मोड पॉलीगॉन्स हो। ओके, ये केवल एजेस और पॉइंट मोड में ही काम करता है। ओके, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और हवर करें किसी भी एज के ऊपर, इसमें यहां पे आता हूं, हो नहीं रहा है, एक मिनट में चेक करता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल और शिफ्ट करना है, कभी कभी रिफ्रेश का इश्यू होता है तो थोड़ा मूव करने पे ठीक हो जाता है वो। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करिए और एज के ऊपर हवा करिए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक आर्क आपको मिलेगी जिसकी आप रेडियस चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा यहाँ पे क्रिएट सेमी सर्कल सेलेक्टेड है, जो डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं इस टूल के उसमें ये सेलेक्ट नहीं होता। तो जब आप इसको करोगे पहली बार तो ये आपका
डिसेबल रहेगा क्रिएट सेमी सर्कल चेकबॉक्स। तब क्या होगा, तब आप जिस जितनी रेडियस की चाहें उतनी रेडियस की आर्क बना सकते हैं। अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ है, मैंने केवल कंट्रोल शिफ्ट दबाया हुआ है और केवल मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। तीनों बटन्स में से कोई भी बटन मैंने नहीं दबाया है। तो जहाँ पे भी आप आर्क को चाहें जितनी बड़ी चाहें वहाँ तक करें और फिर क्लिक कर दें तो वो आर्क बन जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट छोड़ दीजिए, माउस को रिलीज मत करिए और फिर ड्रैग करिए। तो अब क्या होगा, ड्रैग करने से क्या होगा, नंबर ऑफ सब डिविजन्स आप डिफाइन कर सकते हो। लेफ्ट या राइट की ओर ड्रैग करिए, जो डिग्री ऑफ सब डिविजन है इस आर्क की वो आप डिफाइन कर सकते हो। छोड़ दीजिए माउस, तो ये इस तरह की शेप आपकी बन गई। तो जब भी आपको ये आर्क बनानी हो इस तरह की शेप में तो आप प्रेस करें कंट्रोल और शिफ्ट। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए, किसी भी एज के ऊपर जाइए और फिर ड्रैग करिए माउस को बिना किसी बटन को दबाए हुए और फिर क्लिक करिए माउस। कंट्रोल शिफ्ट छोड़ दीजिए, माउस को मत छोड़िएगा, ड्रैग करना है और नंबर ऑफ सब डिविजन्स हमने बनानी है। तो जितने ज़्यादा सब डिविजन्स होंगे उतनी स्मूथ आपकी आर्क होगी। लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं, सेमी सर्कल या हाफ सर्कल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और क्रिएट सेमी सर्कल चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे। अब हम वापस कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अब इस साइड में या इस साइड में जिधर भी आप चाहें उधर बना सकते हैं, लेकिन वो सेमी सर्कल ही बनेगा। तो क्लिक करेंगे हम और उसके बाद हम ड्रैग करेंगे अपनी सब डिविजन सेट करने के लिए। तो सपोज यहाँ पे हमने 5 सब डिविजन सेट कर दी, इसी तरीके से यहाँ पर आए, यहाँ पे भी हमने 5 सब डिविजन सेट कर दी। अब आप आसानी से आप कोई फीचर यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि आप कंट्रोल ड्रैग करें तो एक्सट्रूड हो जाता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो आसानी से आपको अगर इस तरह का प्रोफाइल बनाना है, इस तरह का फीचर बनाना है, तो आप क्रिएट सेमी सर्कल कमांड का इस चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। राइट, अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करें, देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और क्लिक किया हुआ इस एज पे, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए मेरे को प्रीव्यू मिलता है। ओके, अब मैं इसको जहां पे चाहूं वहां पे छोड़ सकता हूं। तो यहां पर और यहां पे पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स मोड में आना पड़ेगा अगर आप पॉइंट्स को देखना चाहते हैं। तो एक बार फिर कर लेते हैं, हम पॉइंट्स मोड में हैं, शिफ्ट क्लिक, अभी आपको क्लिक नहीं करना, देखिए दोबारा से देखिए एक बार और, शिफ्ट को प्रेस करिए और माउस पॉइंटर को ले जाइए लाइन के ऊपर, कोई क्लिक नहीं करना, केवल हवर करना है एच के ऊपर। तो एक आपको वाइट डॉट दिखाई दे रहा है, तो जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक किया मैंने तो ये यहां पे बन गया और इसको फिर मैं मूव भी कर सकता हूं दूसरी जगह पे, जैसे क्लिक किया और फिर मैं इसको मूव कर सकता हूं दूसरी जगह पे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि हम शिफ्ट क्लिक के साथ किसी भी एज पे एक पॉइंट बना सकते हैं और वो प्रीव्यू हमको पहले ही मिल जाता है कि हम कहां पर उस पॉइंट को बनाना है। तो शिफ्ट हवर करना है, फिर क्लिक करना है और वो पॉइंट आपका वहां पे बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको जितने भी पॉइंट चाहिए शिफ्ट क्लिक के साथ आप पॉइंट्स बना सकते हैं और फिर शेप को चेंज कर सकते हैं। ओके, एक और फंक्शन है इस टूल का कि आप इससे कट्स बना सकते हो। सपोज आपको यहां से यहां तक डायगोनल एज चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नाइफ टूल की जरूरत नहीं है, जिसको हम लाइन कट टूल भी बोलते हैं। सिंपली आपको बस यही टूल एक्टिवेट रखना है, पॉलीगन पेन टूल, और एक पॉइंट पे क्लिक करिए, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करिए, बन गया कट। ऐसे यहां से क्लिक करिए, इधर क्लिक करिए, बन गया कट। ओके, तो देखिए कितना आसान है ये। अब आप इस पॉइंट को आज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर इधर कट लगाना चाहें, वैसे इस कट का कोई सेंस नहीं बनता, बट अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो जैसे आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे आप एजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस एक जगह से क्लिक करना है और दूसरी एज पे क्लिक कर देना है और बीच में अगर ओवरलैप होती हैं एजेस तो अपने आप वहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। ओके, अब
एक बैंड ऑफ पॉलीगन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे, पहले मैं इनको अनडू कर देता हूँ जो कट्स मैंने लगाए थे। उसके लिए आपको पॉलीगन्स मोड में आना पड़ेगा। देखिए ये पॉलीगन्स मोड अलग है और ये पॉलीगन्स मोड अलग है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर टूल का है। तो यहाँ ड्रॉ मोड में पॉलीगन्स में आएंगे और फिर अगर हम शिफ्ट ड्रैग करें तो ये देखिए एक बैंड, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, सॉरी मैं गलत सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करना है और फिर आपको ड्रैग करना है। तो क्या होगा एक, और जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज करेंगे अपने आप रोटेट होता चला जाएगा। मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैं ड्रैग कर रहा हूं। इसको हम टॉप व्यूपोर्ट में देख लेते हैं एक बार। पॉलीगन्स मोड टूल का किसी भी एज पे शिफ्ट प्रेस करना है और फिर एक बैंड ऑफ पॉलीगन हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपको किसी कप का हैंडल बनाना है तो ये देखिए कितना आसान है बनाना, और लास्ट में ये स्नैप हो जाएगा इस वाली एज पे, ठीक है, क्योंकि ऑटो वेल्ड ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल्ड रहता है। तो जब भी आपको एक स्ट्रिप बनानी हो पॉलीगन्स की तो पॉलीगन्स मोड में आइए और शिफ्ट के साथ उस एच को ड्रैग कीजिए। ठीक है, अगले फीचर के लिए पॉलीगन पेन 01 को हम बंद कर रहे हैं और इनेबल कर रहे हैं पॉलीगन पेन 2 को। अगर कहीं भी आपके पास दो पॉइंट्स हैं और वो आउटर एज पे हैं तो उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं इस टूल से। देखिए क्या होगा, अगर मैं इधर से, इसके लिए मुझे पॉइंट्स मोड में आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ये कमांड पॉलीगन्स मोड में काम नहीं करती। पॉइंट्स मोड में आऊँगा और इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और फिर जब मैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो बीच का गैप है पूरा कि पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि बीच में गैप हो और पॉइंट्स जो हों आउटर एज पे हों, तो जब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो बीच का जो गैप है वो एक सिंगल पॉलीगन से फिल हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉलीगन्स मोड में काम नहीं करता, पॉइंट्स और एजेस मोड में काम करता है। ठीक है, अब एक बार मैं अनडू कर रहा हूँ। और एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसका जो आगे हम जो एडवांस वीडियोस देखेंगे टोपोलॉजी के, उसमें सरफेस बनाने के लिए ये फीचर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत जल्दी से हम इस फीचर को बना सकते हैं। अगर हम इस एज को एक्सट्रूड करें, ओके, और फिर इधर की ओर ले जाएं तो क्या होगा, ये वेल्ड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटो वेल्ड है। तो एज से एज भी वेल्ड हो जाती है और पॉइंट से पॉइंट भी वेल्ड हो जाता है। देखिए कैसे, अभी जब हमने इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट किया था तो सिंगल पॉलीगन से फिल हो गया था, है ना। फिर हम इसको यू नो क्वाड बनाने के लिए, अभी ये एनगॉन है, कितनी साइड्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साइड्स वाला पॉलीगन बन गया है। तो इसको क्वाड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने जो कनेक्ट किया था वैसे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और अब ये क्वाड बन गया। लेकिन कभी कभी अगर आपको एजेस से करना हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, अभी हमने देखा था पीछे की कंट्रोल ड्रैग करेंगे तो एज एक्सट्रूड हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे और सामने स्नैप कर देंगे। देखिए ये सीधा स्नैप हो जाएगा। इसी तरीके से इसको एक्सट्रूड करेंगे और स्नैप कर लेंगे, और इसको एक्सट्रूड करेंगे स्नैप कर लेंगे। ओके, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है कि एजेस को आप कंट्रोल ड्रैग करके एक्सट्रूड के साथ साथ आप इसको स्नैप और वेल्ड भी कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये। ऑलराइट, अब आते हैं हम इसको भी बंद कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मोड्स में। अभी तक तो था कि एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री थी हमारे पास, एक प्लेन था
और उसमें ही हम सब चेंजेस कर रहे थे, उसी में सब हम ट्वीक कर रहे थे। अब आपके पास कुछ नहीं है अगर ज्योमेट्री, तो भी आप इस टूल से ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पॉइंट्स मोड। तो पॉइंट्स मोड में हम क्या करेंगे, टॉप व्यू पोर्ट पर जाता हूँ मैं, देखिए क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा। तो अभी अभी भी ये ओपन है कि आपको चौथा बनाना है, पांचवा बनाना है, छठवां बनाना है, किस तरीके से बना सकते हैं आप। ओके, तो अगर आपको ट्रायंगल ही बनाना है तो आप पहले पॉइंट पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, तो ये ट्रायंगल बन गया। ओके, दोबारा देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और फिर पहले पॉइंट पे वापस जाके क्लिक कर देंगे तो ट्रायंगल बनेगा। अगर आपको क्वाड बनाना है तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, और फिर पहले पे क्लिक कर दीजिए, क्वाड बन जाएगा। अब इसको एक्सटेंड करना है तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखिए दूसरा क्वाड बनाने के लिए हमें कितने क्लिक करने पड़ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। दोबारा देखिए, इसे मुझे एक्सटेंड करना है तो एक क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक। लेकिन अगर हम इनेबल कर दें क्वाड स्ट्रिप मोड, तब देखिए क्या हुआ, कितने क्लिक चाहिए होंगे, एक, दो, तीन, चार। लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे जब आप, तब आपको दो ही क्लिक चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहली बार बनाया था ये ऑप्शन ऑन करके, तो हमें चार क्लिक करने पड़े, अब हमें दो करने पड़ेंगे। देखिए एक, दो, एक, दो। तो ये है क्वाड स्ट्रिप मोड। क्वाड स्ट्रिप मोड में आपको केवल दो क्लिक करने हैं, और जब ये मोड बंद रहता है तब आपको चार क्लिक करने होते हैं क्वाड बनाने के लिए। ओके, दूसरा है हमारे पास एजेस मोड। एजेस मोड में क्या होगा, एक बार में एक एज बनेगी। देखिए पहली एज बनाई, ये फ्री हो जाता है, इसको एक्सटेंड करना है दोबारा, फिर एक्सटेंड करना है दोबारा। इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो एजेस को। अब ये बन गई आपकी एजेस, लेकिन ये सरफेस नहीं है, रेंडर नहीं होगी, आपको पॉलीगन बनाने हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास पॉलीगन बनाने के, एक तो आपको पता ही है कि आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो, एज मोड में ही है हम, इस एज को इस एज से कनेक्ट कर लिया, इस एज को इस एज से कनेक्ट कर लिया, तो एक पॉलीगन बन गया होगा ये देखिए। और अब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो देखिए एक और बन गया। या दूसरा तरीका जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम एज को कंट्रोल ड्रैग करेंगे और फिर उसे स्नैप कर लेंगे सामने, देखिए बन गया इसी तरीके से यहां पर और इधर। तो देखा आपने कि इस तरीके से आप खुद की एजेस ड्रॉ करके पॉलीगन्स बना सकते हैं। आज तक आपने, अगर आप नए हैं सिनेमा 4D में, तो आपने कोई इस तरह से यूज नहीं किया होगा, कोई प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से शुरू किया होगा, उसी को एक्सट्रूड किया होगा, उसी को एडिट किया होगा, लेकिन अब आप खुद के एजेस बना के उस पर सरफेस बना सकते हैं, या फिर एक ब्रांड न्यू सरफेस खुद से बना सकते हैं पॉइंट ड्रॉ करके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा मोड, पॉलीगन्स मोड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ब्रश आ जाता है, और उस ब्रश का साइज हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, या मिडिल माउस ड्रैग करके कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लिक एंड ड्रैग, देखिए ये है पॉलीगन्स मोड। अगर आपको बड़े पॉलीगन्स चाहिए तो साइज को बड़ा कर दीजिए ब्रश का, फिर लेफ्ट को, अगर राइट को ड्रैग करेंगे तो बड़ा होगा, लेफ्ट को ड्रैग करेंगे तो छोटा होगा साइज ब्रश का। अब आपके पास बड़े पॉलीगन्स आ गए। अब आपको अगर सपोज बीच में से कोई ब्रांच और बनानी है, तब उसके इसमें क्या करेंगे, हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर यहां से ड्रैग करेंगे ऐसे। तो इस टूल से इंटरेस्टिंग शेप्स आप बना सकते हो।
अब इस सारे पॉलीगन से एक बार को अगर हम सेलेक्ट कर लें तो एक इंटरेस्टिंग शेप हम बना सकते हैं इससे। ट्राई करते हैं एक्सट्रूडिनर, देन एक्सट्रूड एक बार, या एक्सट्रूड से अच्छा है कि हम मूव टूल से इसे एक्सट्रूड करें। तो पहले एक्सट्रूड इनर, फिर कंट्रोल ड्रैग करेंगे नीचे के लिए एक बार, फिर नीचे, फिर एक बार और। एक्चुअली हम यहाँ पे कंट्रोल एजेस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बन चुकी हैं। और अगर हम एक बार एक्सट्रूड इनर करेंगे तो एक और बन जाएगी। और अब हम इसको कर देते हैं सब डिविजन सरफेस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट। तो देखिए, अगर आपको ये शेप वैसे ट्रेडिशनल मेथड से ड्रॉ करनी होती तो बहुत टाइम लगता आपको, लेकिन इस टूल की हेल्प से आप बहुत जल्दी इस तरह की शेप्स बना सकते हो। तो ये था पॉलीगन पेन टूल। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करना ना भूलें। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।